press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और दबंग इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आज वो ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। देखा है जो शायद ही मैंने पिछले क्या बोलूंगी मैंने पीछे कभी देखा हो। नरेंद्र मोदी जी मिले हैं उन विक्टिम से संदेश खाली के, नाज़िया खुद होकर आई है संदेश खाली। एंड मैं इनफैक्ट आई विल गिव द प्लेटफॉर्म टू नाज़िया टू डिस्क्राइब द एंटायर सिचुएशन। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मैं ये बोलूंगी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बानो की बर्बादी की दास्तान लिखनी शुरू कर दी है। जी नाज़िया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत सेंसिटिव इशू है गायत्री जी, आज मैं बहुत मतलब सेंटिमेंटली बात करना चाहूंगी आपके साथ। आज पीएम मोदी की स्पीच को सुनने के बाद जब मैं कोर्ट से निकल करके हावड़ा में जब वो मेट्रो रेल अंडर वाटर का इनॉग्रेशन कर रहे थे, और उसके बाद फिर जब मैं रिटर्न आई और मुझे पता चला कि संदेश खाली के विक्टिम से उन्होंने मुलाकात की है, मोदी जी की आंखों में पानी था। मोदी जी बिल्कुल मतलब उनके हाथ पैर ना अजीब से हो रहे थे। जब वो महिलाएं फूट करके रोना स्टार्ट की है ना वहां की भीड़ को समझ में आ रहा था, और ना मतलब हम लोग कुछ समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में जैसे एक पिता को देख करके या एक अवतार को देख करके इंसान अपनी गुजारिश लेकर के कैसे चला आता है कि हमें बचा लीजिए। और पिछले 7 दिन मैंने दिल्ली में एक ही बात कही कि हाँ, दूर से एक आवाज आई कि कश्मीर की बेटियां कह रही हैं कि वो मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं है, लेकिन मैं बंगाल की बेटी मैं कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की हिंदू माँ बहनें निर्भया जरूर हो गई है, जरूर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां नारी का सम्मान नहीं है, जहां माँ भारतीय शक्ति का कोई सम्मान नहीं है, जहां नारी शक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी चीजें दूर दूर तक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का चरित्र हमेशा से ही मुसलमान बलात्कारियों को बचाने का रहा है, चाहे वो नासिर खान की घटना हो, चाहे वो शेख शाहजहां की घटना हो। लफ्ज अगर बलात्कारी का नाम अगर मुसलमान हो जाए तो फिर ममता बनर्जी अपने सारे हदों को क्रॉस करके उस मुसलमान बलात्कारी को बचाने के लिए हर वो बैरिकेड को वो फलांग देती हैं, लांग देती हैं, जो एक महिला होने के नाते उनको कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा था जब 2011 में एक महिला मुख्यमंत्री की सरकार आई थी, तो हमें लगा था कुछ हो ना हो भाई, लेकिन महिलाएं तो सुरक्षित रहेंगी। संदेश खाली के मामले ने उस ये हमारे और पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सोच को चूर चूर कर दिया है, और सारी महिलाओं के आंखों में पानी आ गया है। मैं जब दिल्ली में एक मोदी मैजिक बुक लॉन्च में जब मैं अपनी स्पीच रख रही थी संदेश खाली को लेकर के, सारे लोग, मर्द औरत सारे लोग उसमें रो रहे थे, सारे लोगों की आंखों में आंसू आ चुका था जब मैंने उनको ये बताया कि उन महिलाओं को टारगेट किया गया है जिनके जिनके माथे पे सिंदूर था, जिनके गले में मंगलसूत्र था, जिनके पैर में आलता था, जिनके पैर की उंगलियों में बिछिया था, जानबूझ करके जिनके हाथों में शाखा पौला था, उनको ही टारगेट करके उनको ही रेप किया गया है। जिस तरह से कश्मीर में कश्मीर पंडित की बेटियों का नरसंहार किया गया था, जेनोसाइड किया गया था, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई थी, उनको मस्जिद में बिठा करके नंबर वाइज भेजा जाता था लश्करे तैयबा और यासिन मलिक के बेड पर, उसी तरीके से संदेश खाली में हिंदू माँ बहनों के साथ, मेरी हिंदू माँ बहनों के साथ शेख शाहजहां और उसकी टीम ने ये काम किया है। हाँ, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अंतिम घड़ी को लिखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था। हम सबको ही जानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को, काफी काफी रिनाउंड और फेमस रहे हैं कि वो एक जूनियर वकील को जज बनाने की का लालच देते हैं, वो पैसे ऑफर करते हैं, जूनियर जो लड़कियां वकील होती हैं, इंटर्नी होती हैं। मनीष सिसोदिया के वकील हैं अभिषेक मनोज सिंघवी, INX मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखते हैं, 19 करोड़ रुपए अपने सबमिशन का चार्ज करते हैं, खुद CGI उनसे 2023 में पूछ लेते हैं कि भाई पहले आप तो बताइए कि ये पवन खेरा है कौन, आपका कौन है। तो ये ऐसा एक चरित्र और ऐसा एक एडवोकेट
जो एक बार फिर जैसे हमने निर्भया में देखा था ना कि सुबह के 4:30 बजे तक निर्भया के आरोपियों के लिए दरवाजा खुल गया था और एक वकील निर्भया के आरोपियों को छुड़ाने के लिए अपनी सारी हदों को क्रॉस कर रहा था, ठीक वैसा ही हमने मौजरा और वैसा ही सिनेरियो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी एकदम कोर्ट वो टाई वाई लगा करके लॉ बैंड लगा करके सीजीआई रूम में एंटर कर गए और रजिस्ट्रार को कह रहे हैं कि इसको जल्दी से अपर लिस्ट करो, अपर लिस्ट कर करके मैं शेख शाहजहां को रोक सकूं और उसको सीबीआई लेकर के ना जाए। ये सिनेरियो हमने देख लिया। अब बात आती है कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी इस चीज में सफल रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि सीजीआई ने साफ लफ्जों में रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दिया कि ये मामला इतनी भी जल्द नहीं है कि इसको सुनना इतना जरूरी है। हालांकि रिजेक्शन नहीं किया है सीजीआई के बेंच ने, हाँ सीजीआई के बेंच ने इतना जरूर कहा है कि ये मामला सुनना इतना भी जल्दी नहीं है कि हम इसको तुरंत अपर लिस्ट में लेकर के आए, क्योंकि सीजीआई को भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि भाई 10,000 से ऊपर महिलाएं, 150 गांव वाले ने लैंड माफिया का आरोप लगाया है शेख शाहजहां के ऊपर, 150 लोगों ने 400 कंप्लेंट फाइल किए हैं, एफआईआर फाइल किया है, उसके बाद पे 10,000 से ऊपर महिलाओं ने एफआईआर किया है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद पे याद होगा आपको कि 17 जनवरी 2024 को जिस तरह से ईडी शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए गई थी और उसके घर पे छापा मारा था, तो ईडी के ऑफिसर्स पर जानलेवा हमला किया गया था मुस्लिम मॉब के द्वारा, उसका भी केस चल ही रहा था कैलकटा हाई कोर्ट में। कल आई वॉज इन साइड द कोर्ट, मैं वहां पर खड़े होकर के सिर्फ सुन रही थी, और जो ऐतिहासिक बातें कैलकटा हाई कोर्ट के बेंच ने कहा है कि भाई इसको सीबीआई के हवाले करो और 4:30 बजे तक शेख शाहजहां सीबीआई की अंडर कस्टडी में होना चाहिए, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाय हुक और क्रूक कहा, और किसको कहा? सीआईडी को कहा, स्टेट वेस्ट बंगाल के स्टेट की पुलिस को कहा। लेकिन ममता सरकार, जहां मुसलमान बलात्कारी हो वहां तो भाई कहां संविधान, कहां आईपीसी, कहां सीआरपीसी, कहां जज, कहां बैरिस्टर, कहां सुप्रीम कोर्ट, कहां हाई कोर्ट, कुछ नहीं मानना उनको, बस उनका वन पॉइंट काम होता है मुसलमान बलात्कारी को बचाने का, जैसे नासिर खान को बचाने का पूरा कोशिश नुसरत रूही जहान जैन और श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार से होता रहा, और आज भी नासिर खान रिमिशन ग्राउंड पे आराम से बाहर अयाशी कर रहा है। अब 4:30 बजे, 4:45 बजे के करीब सीबीआई ऑफिसर गाड़ियां लेकर के पहुंच गए सीआईडी ऑफिसर, सीआईडी डिपार्टमेंट के, भाई हमारे हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है, वो भी चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि 4:30 बजे तक आपको मेरी कस्टडी में दे देना है। एट द एंड क्या हुआ, सीबीआई ऑफिसर्स को खाली हाथ रिटर्न आना पड़ा, और उसी वक्त इंस्टेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटिशन डाल दिया कि ये मामला बहुत जरूरी है और इसको सुनना बहुत जरूरी है, और जब स्टेट की पुलिस ने अरेस्ट किया है तो सीबीआई क्यों लेकर के जाएगी। हालांकि इतने गुणवान, इतने इतने समझदार, इतने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उनको वो ये कैसे भूल गए कि ईडी ने एक रिट पिटिशन किया था जो 8/02/2024 था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक अलाउ किया, और उसके बाद फिर इस ईडी के WPA 802/2024 के साथ साथ केस FIR नंबर 8/2024, FIR नंबर 9/2024 जो फाइल हुआ था नजद पुलिस स्टेशन में, FIR 18/2024 जो फाइल हुआ था बनगांव पुलिस स्टेशन में, ये सारे केसेस को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। द डिविजन बेंच सेड इन द ऑर्डर कि ये जो केसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये अप्रोप्रिएटली स्पेसिफिकली ईडी के हाथ से निकल करके, सीआईडी के हाथ से निकल करके ये सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, और साथ साथ शेख शाहजहां को भी 4:30 बजे तक सीबीआई के हाथ में दे दिया जाए। अब आती है बात कि एक मैट फाइल हुआ था 169/2024 और मैट 191/2024 जो अलाउ हुआ था,
जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठाई थी और सेट असाइड किया था, जिसमें ये कहा था कि ईडी को तो मारने मर्डर करने की कोशिश कर देता है वहां का शेख शाहजहां के लोग, उसके बाद फिर पुलिस ईडी के ऑफिसर्स को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये मैटर सेट असाइड कर करके एक एसआईटी कमिटी बैठा दी जाए स्टेट की तरफ से, ताकि विद इन वन वीक शेख शाहजहां को अरेस्ट करके लाया जा सके। और तब आपको याद होगा कि तब बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श वर्ड में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि इमीडिएट लुकआउट नोटिस इशू करके, कि इमीडिएट अगर शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं हुआ तो इससे भी कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें स्पोक पर्सन जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कुणाल घोष है, उन्होंने कहा था 48 घंटे में हम अरेस्ट कर देंगे। तो हम कई बार मैंने कहा था कि इसका मतलब है कि इन लोगों को पता था कि वो कहाँ है और कहाँ से मिला, 42 किलोमीटर संदेश खाली के 42 किलोमीटर की दूरी से मिला शेख शाहजहां, जहां से स्टेट की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। 52 दिनों का भागा हुआ शेख शाहजहां 42 किलोमीटर की दूरी से मिलता है किसको, राज्य सरकार की पुलिस को, राज्य सरकार की पुलिस। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और गायत्री देवी जी और नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ टीएमसी को उधेड़ के रख दिया बल्कि टीएमसी की जो पोल है वो पूरी तरह से खोल के रख दी, और आपने देखा कि कैसे संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसके बारे में नाज़िया खान जी ने खुल के बताया और पूरे फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रख दिए, जहां पे हमने देखा कि संदेश खाली की महिलाओं को मिलके हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी रोए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।